मॉर्निंग स्टूडेंट्स. बेटा हम टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियस कर रहे थे, तो एटॉमिक रेडियस हमने एक टाइप की कर ली थी, कोवलेंट रेडियस. हम क्या कर रहे हैं कि आइसोलेटेड एटम की हम रेडियस मेजर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आइसोलेटेड एटम्स के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन से डिस्टेंस हमें एग्जैक्ट पता ही नहीं है. अब इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजिशन नहीं पता लगा सकते, फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव के फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है. तो हम जो रेडियस निकाल रहे हैं वो जब एटम किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्डेड स्टेट में होता है या फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन में होता है तभी निकाल पा रहे हैं. इसलिए क्या बोल रहे हैं, वी कांट मेजर द एब्सोल्यूट रेडियस और रेडियस ऑफ आइसोलेटेड सिंगल एटम. अब एटम जो होगा वो दूसरे सेम या डिफरेंट एटम के साथ जिस भी फॉर्म जिस बॉन्ड से बॉन्डेड होगा या जिस टाइप की इंट्रैक्शन से होगा उसी टाइप की रेडियस निकलेगी. तो जैसे हमने इससे पहले वाले लेक्चर में कोवलेंट रेडियस का जिक्र किया था. कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, जब एटम्स सेम या डिफरेंट एटम्स इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की जब वो शेयरिंग करते हैं तो वहां पर क्या होता है, कुछ इनका जो एटम का कुछ हिस्सा जो होता है वो शेयरिंग में आ जाता है. जैसे ये हिस्सा जो होगा ये ओवरलैपिंग रीजन बोलते हैं इसको, ओवरलैपिंग रीजन. जैसे ए ए ए टाइप का, ए ए टाइप का मतलब दोनों एटम सेम एलिमेंट के हैं, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, क्लोरीन क्लोरीन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ठीक है. फिर इसका न्यूक्लियस से न्यूक्लियस के बीच का हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस. अब अगर दोनों ही एटम सेम टाइप के हैं, एक ही एलिमेंट के हैं, तो दोनों का साइज भी तो सेम होगा, दोनों की रेडियस भी तो सेम होगी. तो ये जो इस डिस्टेंस को हम क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियस से न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस है, तो इसको क्या बोल रहे हैं, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस. इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है. इस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करें डी से, और इसको डी ए ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो. डी ए ए मतलब ए से ए के न्यूक्लियस से ए के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस. तो अब हमें क्या करना है, हमें तो रेडियस निकालनी है. रेडियस किस लिए निकाल रहे हैं, हम किसी भी एटम का साइज हम उसकी रेडियस से मेजर करेंगे. अगर किसी एटम की रेडियस स्मॉल होगी तो उस एटम का साइज भी स्मॉल होगा, ठीक है ना. तो रेडियस और रेडियस निकाल के ही हम एटम के साइज को मेजर कर पा रहे हैं, इसलिए एटॉमिक रेडियस मेजर कर रहे हैं. तो जैसे यहां तक क्या हो गया, ए एटम की रेडियस हो गई और यहां तक बी एटम की रेडियस होगी. तो हम ये कह सकते हैं कि एक एटम की जो रेडियस होगी वो इस डिस्टेंस का हाफ होगी, तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस अपॉन टू. सो कोवलेंट रेडियस इज द हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस व्हेन टू आइडेंटिकल एटम आर कोवलेंटली बॉन्डेड टू ईच अदर. जब दो आइडेंटिकल एटम दोज एटम विच आर ऑफ बिलोंग टू द सेम एलिमेंट, व्हेन टू आइडेंटिकल एटम आर कोवलेंटली बॉन्डेड टू ईच अदर, देन हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इज नोन एज कोवलेंट रेडियस. ओके, तो ये होगी इस तरह से कोवलेंट रेडियस हम निकाल लेंगे, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ. बेटा इसी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को बॉन्ड लेंथ भी बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ. तो बॉन्ड लेंथ का हाफ भी क्या हो जाएगा, अब जैसे मैंने आपको दे दिया हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दे दिया. हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड लेंथ है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है, ये दे दी मैंने आपको जैसे 35 एंगस्ट्रॉम दे दी, ठीक है. तो 0.35 एंगस्ट्रॉम दे दी. तो मैं आपसे पूछूं कैलकुलेट द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो इसका जस्ट हाफ हो जाएगा ना. रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू जस्ट हाफ ऑफ बॉन्ड लेंथ, ठीक है. ये तो हुआ कब, जब दोनों ही एटम, दोनों जो एटम कोवलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड है वो एक ही एलिमेंट के हो, सेम टाइप के हो, ठीक है. होमो एटोमिक मॉलिक्यूल में ऐसा होता है, H2O2 N2 Cl2 I2 etc. सभी में क्या है, लेकिन अगर ये एटम डिफरेंट एलिमेंट्स के हों, ए बी टाइप के हों, तो एक का साइज स्मॉल होगा, एक का साइज लार्ज होगा, जैसे HCl में. अब HCl में क्या है, हाइड्रोजन स्मॉल साइज का है और क्लोरीन लार्ज साइज का है. इसके न्यूक्लियस से इसके न्यूक्लियस के बीच का ये डिस्टेंस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इसको हम देखेंगे डी HCl इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को. अब हम अगर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम लिखें डी HCl इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ, और रेडियस ऑफ क्लोरीन एटम लिखें हम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ, इसका मतलब दोनों की रेडियस तो सेम आ गई. और हमें भी पता है
कि इसका साइज स्मॉल है तो इस टोटल डिस्टेंस का हाफ तो नहीं है हाइड्रोजन की रेडियस, हाइड्रोजन की रेडियस इस टोटल डिस्टेंस का हाफ तो नहीं है ना, वो तो यहां तक ही है। और इसकी जो रेडियस है क्लोरीन की जो रेडियस है वो हाफ से ज्यादा है, सॉरी मतलब अगर ये डिफरेंट ए बी टाइप के हो, जैसे ये ए टाइप का और ये बी टाइप का, अगर कोवलेंट से बॉन्डेड एटम, कोवलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड एटम डिफरेंट एलिमेंट्स के हो, डिफरेंट साइज रखेंगे फिर तो उनकी रेडियस भी फिर क्या आएगी डिफरेंट, तो हम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ करके नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन डिफरेंट एटम्स विच आर कोवलेंटली बॉन्डेड टू ईच अदर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी, रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी माइनस 0.9 इंटू मोड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी अलग अलग मिलेगी इनकी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने समझाए थे आप लोगों को, डिटेल से हम पढ़ेंगे। जब ये दो एटम आपस में कोवलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड है तो आपको पता है कि ये कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनाए, इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रखी है, एक इलेक्ट्रॉन इसने लगा रखा है, एक इलेक्ट्रॉन इसने लगा रखा अपना। अब दोनों के पास न्यूक्लियस है तो दोनों के न्यूक्लियस क्या कर रहे हैं, इन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना चाह रहे हैं। तो जिसके न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, जिसके न्यूक्लियस में प्रोटोन ज्यादा होंगे वो उसके, जिस एटम के न्यूक्लियस में प्रोटोन ज्यादा होंगे उसके न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो वो ज्यादा खींचेगा उनको अपनी तरफ, और जो ज्यादा खींचेगा वो ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव कहलाएगा। ठीक है, अब जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन में से अगर हम देखना चाहें, हाइड्रोजन और क्लोरीन ने ये इस तरह से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके ये बॉन्ड बना लिया। अब हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में तो एक एक प्रोटोन है, इसके पास तो एक पॉजिटिव चार्ज है और इसके पास तो 17 पॉजिटिव चार्ज है ना, तो कौन किसका न्यूक्लियस इन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा, जिसके जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, जिसके पास प्रोटॉन ज्यादा, जिसके पास न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, तो क्लोरीन ज्यादा खींचेगा क्योंकि इसके पास तो 17 पॉजिटिव चार्ज है, इसके प्रोटॉन इसके न्यूक्लियस में तो 17 प्रोटॉन होने की वजह से इसके पास एक ही पॉजिटिव चार्ज है, तो क्लोरीन क्या करेगा इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, तो जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे ना, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड ये क्लोरीन की तरफ खींच के चला जाएगा, तो इधर आगे इकट्ठे हो जाएंगे। आगे बात समझ में, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी टर्म है ये, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ व्हेन वन एटम इज कोवलेंटली बॉन्डेड टू अनदर एटम। जब एक एटम दूसरे एटम के साथ कोवलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड होता है उस टाइम ये बॉन्ड के अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है वो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो एक्स ए एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, एक्स बी क्या, बी की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आपको दे देंगे, एक की रेडियस दे देंगे आपको और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस दूसरे की रेडियस आपसे पूछ लेंगे, एक एटम की रेडियस दे देंगे। जैसे एचसीएल में हमें दे दिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्स एच जो है वो है 2.0, एक्सीएल है वो है हमारे पास 3.5, ये होगी हमारे पास 3.0 ये दे दी। अब हमारे पास जो है रेडियस ऑफ क्लोरीन एटम दे दिया, कोई भी एंगस्ट्रॉम दे दिया, तो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम आपसे पूछ लेंगे, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम निकालो, ये निकाल लेंगे। तो वैल्यू दे रखी, ये दे रखा है हमें, ये वैल्यू दे रखी है, और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस या बॉन्ड लेंथ भी दे देंगे तुम्हें साथ में, जैसे एचसीएल का बॉन्ड लेंथ कितना है, वाई एंगस्ट्रॉम है, तो निकाल सकते हो ना। मतलब अब हमारे पास दो फॉर्मूले आ गए, अगर डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंट टाइप के एटम के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बना है तो इस फॉर्मूले से रेडियस निकालेंगे, और अगर सेम टाइप के बीच में है तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस या बॉन्ड लेंथ का हाफ, तो ये थी कोवलेंट रेडियस। उसके बाद नेक्स्ट टाइप की जो रेडियस है वो है हमारे पास मेटालिक रेडियस, मेटालिक रेडियस जो मेटल्स है, मेटल भी एलिमेंट है और एलिमेंट किससे मिलकर बना है, एक ही टाइप के एटम से, तो मेटल जो मेटल एलिमेंट होंगे वो मेटल एटम से मिलकर बने होंगे। अब जैसे हम किसी भी मेटल का कोई पीस उठाएं या रोड उठाएं, जैसे ये हमारे पास आयरन पीस है, हमारे पास आयरन का टुकड़ा है, तो अगर हम इसका हाईलाइट स्ट्रक्चर देखें, अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखें, तो ये बहुत सारे आयरन एटम से मिलकर बना होगा। इस तरह से आयरन एटम जो होंगे वो थ्री डायमेंशनल स्पेस के अंदर, थ्री डी रीजन में इस तरह से क्या होंगे, क्लोजली पैक्ड होंगे आपस में, ये क्या आयरन एटम्स है। ठीक है,
अब जो मेटल एलिमेंट के एटम की जो खास बात होती है, जो एटम मेटल एलिमेंट के होते हैं उनका साइज बड़ा होता है, तो साइज बड़ा होने की वजह से देखो, एक तो ये छोटा एटम है ये इसका न्यूक्लियस, और एक ये बड़े साइज का एटम है ये इसका न्यूक्लियस। तो अगर एटम का साइज बड़ा होगा तो उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो न्यूक्लियस से ज्यादा दूरी पे होंगे, ज्यादा डिस्टेंस होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में। और एटम का साइज अगर स्मॉल होगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में क्या होगा, डिस्टेंस कम, डिस्टेंस कम होगा तो इनके बीच में अट्रैक्शन होगी ज्यादा। तो अगर एटम का साइज स्मॉल है तो उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड रहेंगे न्यूक्लियस से, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा। लेकिन अगर एटम का साइज लार्ज है, एटम का साइज लार्ज है तो इलेक्ट्रॉन जो है सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन वो न्यूक्लियस से ज्यादा डिस्टेंस पे है, डिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, किसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटोन है तो पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो अगर एटम का साइज बड़ा होगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहेगी, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहेगी तो इसको आसानी से निकाला जा सकता है। तो एटम जो होते हैं ना, जो मेटल एलिमेंट के जो एटम होते हैं वो लार्ज साइज के होते हैं। क्यों होते हैं अभी हम ये डिस्कस ही करने वाले हैं। इसलिए इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं। जैसे अगर मैंने ये यहाँ पर इसका क्रिस्टल उठा लिया है आयरन का, तो ये जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना इस तरह से, ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये फ्रीली मूव कर सकता है, ये एटम को लीव भी कर सकता है। यहाँ पर इसको सराउंडिंग में एनर्जी मिलेगी, वाइब्रेशन वगैरह से डिफरेंट टाइप की एनर्जी मिल जाएगी, उस एनर्जी को लेके और ये क्या करेगा इस न्यूक्लियस से, क्योंकि अट्रैक्शन तो बिल्कुल ही करनी है, तो इस एटम को छोड़ देगा, ये एटम को छोड़ के ये रैंडमली इधर आ जाएगा, ये रैंडमली मूव कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि एक मेटल के अंदर क्या होते हैं, किस किस चीज से मिलकर बना हुआ है मेटल, इलेक्ट्रॉन और ये फ्रीली मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन और एटम से मिलकर बना है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको लीव करके इधर उधर चला जाएगा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ था लेकिन इसने लीव कर दिया और इधर उधर मूव कर रहा है। अगर मैं दो ही एटम दिखाऊं यहाँ पर इस तरह से, ये है, तो ये अब क्या करेगा, अब इसके अंदर भी है पॉजिटिव चार्ज, इसके अंदर भी है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज तो सब में है ना, प्रोटोन है न्यूक्लियस के अंदर। तो अब क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या है इधर उधर मूव कर रहे हैं, अब इस इलेक्ट्रॉन की तरफ ये भी अट्रैक्ट करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा, ये सब इस इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, भागा दौड़ का खेल चल रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन इधर उधर मूव करता जा रहा है और ये सारे एटम क्या कर रहे हैं, उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना चाह रहे हैं। तो इसी वजह से क्या होती है, मेटल्स की जो मैलेबिलिटी और डक्टिलिटी होती है वो इसी वजह से होती है। ये एटम्स क्या करेंगे, धीरे धीरे अपनी पोजिशन को बिल्कुल स्लाइटली अपनी पोजिशन से डिस्लोज होते रहेंगे इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ने के चक्कर में, ठीक है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन जैसे कि समुद्र के अंदर, जैसे कि सी के अंदर वाटर मूव करता रहता है, मेटल के क्रिस्टल में ये इलेक्ट्रॉन इसी तरह से फ्रीली मूव करते रहते हैं, और इसी वजह से इन फ्री इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से ही मेटल इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होती है और उनके अंदर उनका सरफेस शाइन नहीं होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, हम बात कर रहे थे मेटेलिक रेडियस की, तो ये जो मेटेलिक रेडियस है, दो एटम, अब जैसे ये दो एटम है, मैं सिर्फ दो एटम दिखा रही हूँ, ये दो एटम इसके न्यूक्लियस से इसके न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है, ये एक आयरन एटम है, ये दूसरा आयरन एटम है, तो इसके न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस ये मेटालिक बॉन्ड से बॉन्डेड है आपस में, मेटालिक बॉन्ड से बॉन्डेड होंगे तो मेटालिक रेडियस निकलेगी, कोवलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड होंगे तो कोवलेंट रेडियस निकलेगी। तो मेटल्स के अंदर क्या होता है, जो मेटल एटम होते हैं वो आपस में मेटालिक बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं, तो जब वो मेटालिक बॉन्ड से बॉन्डेड होंगे तो उसके न्यूक्लियस से न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होगा, यानी कि इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, अफी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, अब क्योंकि एटम का साइज तो सेम है, क्योंकि दोनों ही एटम्स क्या है, सेम मेटल के हैं, तो रेडियस ऑफ आयरन एटम क्या कैसे निकल जाएगी, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ। जब एटम्स आपस में मेटल के अंदर जब एटम आपस में कोवलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं तो उस टाइम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ, देखो इस ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, इसका हाफ क्या होगा, इस आयरन की रेडियस होगी, इसका हाफ दूसरे आयरन की रेडियस होगी, सेम एटम है तो रेडियस भी क्या होगी, सेम। तो जब मेटालिक बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं तो उस टाइम कौन सी रेडियस निकाली जाती है, मेटालिक रेडियस। अब क्वेश्चन ये आता है कि मेटालिक रेडियस और कोवलेंट रेडियस में से बड़ी रेडियस कौन सी है, बड़ी रेडियस। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आयरन ने कोवलेंट बॉन्ड भी बना रखा है और आयरन ने मेटालिक बॉन्ड भी बना रखा है,
तो दोनों रेडियस में से आयरन की रेडियस कौन सी बड़ी होगी? कोवलेंट बॉन्ड, जब आयरन एटम किसी दूसरे एटम के साथ कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ेगा तब बड़े रेडियस बड़ी होगी, या फिर मेटालिक बॉन्ड से जुड़ा होगा दूसरे आयरन एटम के साथ? तो देखो अभी दोनों में जब कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो एटम का कुछ हिस्सा जो होता है वो शेयरिंग में आता है। जब दो एटम के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो एटम का कुछ हिस्सा शेयरिंग में आता है, लेकिन जब मेटालिक बॉन्ड बनता है तो कोई भी हिस्सा शेयरिंग में नहीं आता। तो अब तुम ये देख सकते हो कि कोवलेंट बॉन्ड में तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड शेयर होता है, एटम का कुछ हिस्सा शेयरिंग में आता है, तो जिससे रेडियस क्या हो जाती है, स्मॉल हो जाती है। तो हम ये कहेंगे कि क्या होती है, जो मेटालिक रेडियस होती है वो बड़ी होगी ना, क्योंकि या तो कोई भी हिस्सा शेयरिंग में नहीं आ रहा, तो क्या होगी, मेटालिक रेडियस ग्रेटर देन कोवलेंट रेडियस। मेटालिक रेडियस ग्रेटर देन कोवलेंट रेडियस, ठीक है। उसके बाद थर्ड टाइप की हम रेडियस लेंगे, थर्ड टाइप है एटम की अब ट्रेंड सेम चलेंगे। अब हमें ये कहते हैं कि लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, हम किसी पीरियड में पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, तो जो चेंज मेटालिक रेडियस में आएगा वही चेंज कोवलेंट रेडियस में आएगा। जैसे हम ये कहें कि कोवलेंट रेडियस इंक्रीज हो रही है लेफ्ट टू राइट, तो मेटालिक रेडियस भी तो इंक्रीज होगी लेफ्ट टू राइट, ठीक है। इनको डिफाइन करने के अलग अलग तरीके हैं, बॉन्डेड फॉर्म जैसा बॉन्ड बनेगा वैसे ही रेडियस निकाली जाएगी। उसके बाद थर्ड टाइप की जो रेडियस है वो है हमारे पास वैन डर वाल रेडियस। वंडरवाल बेटा कोई फोर्स ऑफ बॉन्ड नहीं है, वंडरवाल एक फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है। वंडरवाल फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है। आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा कि जो पार्टिकल्स होते हैं हर मैटर पार्टिकल से मिलकर बना हुआ, और पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहती है, चाहे पार्टिकल सेम सब्सटेंस के हो या डिफरेंट सब्सटेंस के बीच में हो, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहती है, ठीक है। तो वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, डिफरेंट टाइप की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, तो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसकी डिटेल आप पढ़ोगे फिफ्थ यूनिट में, स्टेट ऑफ मैटर में आपकी इसकी वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये कई तरह की है, तो इसकी जो फुल डिटेल है वो आप नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट यूनिट में पढ़ोगे। तो जब क्या होता है, वैसे आप एक बात मान के चलो कि किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के बीच में या डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के बीच में डिफरेंट टाइप की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकती है। किसी में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, किसी में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, लेकिन वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक यूनिवर्सल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये चाहे दूसरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या ना हो, ये हर टाइप के मैटर के अंदर देखने को मिलेगी, हर टाइप के सब्सटेंस के बीच में देखने को मिलेगी, ये यूनिवर्सल टाइप की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये तो होगी ही होगी। अब जैसे चाहे हमारे पास हाइड्रोजन गैस के अंदर जो हाइड्रोजन गैस जो मॉलिक्यूल उनके बीच में, या वाटर जैसे हमारे पास है वाटर मॉलिक्यूल के बीच में, वाटर मॉलिक्यूल के बीच में वैसे हाइड्रोजन बॉन्ड भी है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो तो है, उसके साथ साथ वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है। वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यूनिवर्सल नेचर की है, ये हर जगह रहती है, हर टाइप के सब्सटेंस के पार्टिकल के बीच में ये होती है। तो अब हम निकाल रहे हैं, जब एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के साथ वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इंटरेक्टिंग होता है, तो उनके न्यूक्लियस से न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसका हाफ ही क्या कहलाएगी, वैन डर वाल रेडियस। देखो जैसे हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, अब हाइड्रोजन गैस के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन गैस आपको पता है एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में। तो H2H2 मॉलिक्यूल है छोटे छोटे, ये H2H2 मॉलिक्यूल है, हालांकि ये रूम टेम्परेचर पर गैस है, तो हमें पता चल रहा है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत वीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही डिसाइड करती है फिजिकल स्टेट, आपको पता अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगी तो कौन सी स्टेट में रहेंगे गैस में, क्यों, इसका कारण हम बाद में करेंगे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक क्यों है। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, दो एक जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वो दो हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना है, ये एक हाइड्रोजन एटम और ये दूसरा हाइड्रोजन एटम, ये इस तरह से दो हाइड्रोजन एटम आपस में जुड़े हुए हैं, मैंने इसको ऐसे दिखाया। फिर ये दूसरा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है जो दो हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना है, ठीक है, इस तरह से ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आपस में पड़े हुए इधर उधर। हम क्या ले रहे हैं, हाइड्रोजन गैस का सैंपल वहां पर हम देख रहे हैं इस तरह से। तो ये जो है, ये जो H2 मॉलिक्यूल है, इसमें दो हाइड्रोजन एटम आपस में, ये तो कोवलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड है ना,
एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है दोनों ने, और एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके कोवलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड है, कोवलेंट से बॉन्डेड होकर इन्होंने क्या बना दिया, H2 मॉलिक्यूल। लेकिन ये भी आपस में कोवलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड है, लेकिन ये जो हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम और ये हाइड्रोजन एटम जो है, इनके बीच में तो कोई बॉन्ड नहीं है ना, समझ रहे हो तुम। इन दो हाइड्रोजन एटम के बीच में जो हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है, उसमें दो हाइड्रोजन एटम के बीच में तो कोवलेंट बॉन्ड है, लेकिन दोनों मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोजन एटम है जो एक दूसरे के कांटेक्ट में है, इस मॉलिक्यूल का ये एटम और इस मॉलिक्यूल का ये एटम, इनके बीच में तो सिर्फ बॉन्ड वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कौन सी है, वैन डर वाल। तो जब दो एटम्स आपस में वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इंट्रैक्टेड होंगे, उस टाइम उनके न्यूक्लियस से न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, अब इसके न्यूक्लियस से इसके न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होगा, या न्यूक्लियस से न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होगा, उसको हम क्या कहेंगे, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। अब वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इंट्रैक्टेड है, इनके बीच में इंट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक टाइप की कोई बॉन्ड नहीं है ये, ठीक है, बॉन्ड तो यहां है एक मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स के बीच में है बॉन्ड, ये तो दो मॉलिक्यूल जो आपस में पास पड़े हुए हैं उनके एटम्स के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जब क्या है, दो एटम आपस में वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्टेड होते हैं, तो उसके न्यूक्लियस से न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, और उसका हाफ ही क्या कहलाएगा, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वैन डर वाल रेडियाई। तो आर हम इसको रेडियाई, तो वैन डर वाल रेडियाई कैसे निकाल लेंगे, जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम के बीच का, उसका हाफ, समझ में आ रहा है, दोनों हाइड्रोजन एटम आपस में वैन डर वाल फोर्स ऑफ, यहां से समझ लो, एक मॉलिक्यूल दोनों जो होंगे आपस में वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इंट्रैक्टेड है, तो इसके न्यूक्लियस से न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा, डी एच एच कहलाएगा, ठीक है, और इसका हाफ ही क्या कहलाएगा, वैन डर वाल रेडियाई, समझ रहे हैं, अब तक बॉन्ड देख रहे थे, लेकिन वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो जब दो एटम आपस में वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्टेड हो, तो उनके न्यूक्लियस से न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस का हाफ ही क्या कहलाएगा, वैन डर वाल रेडियाई। अब ये तीन टाइप की रेडियाई हमने कर ली एटम की, अब आपको ये बताना है कि सबसे बड़ी रेडियस कौन सी है। अभी यहाँ पर हम अगर वैन डर वाल रेडियस और कोवलेंट रेडियस का कंपेरिजन करें, तो अभी आप यहाँ पर देखते ही बताने वालोगे, ये है, ये तो दो एटम आपस में बॉन्डेड है, एच टू मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन एटम आपस में कोवलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड है, इसी तरह से यहां पर भी दो हाइड्रोजन एटम आपस में कोवलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड है, तो इसका हाफ तो क्या कहलाएगा, कोवलेंट रेडियाई, इसका हाफ भी क्या कहलाएगा, कोवलेंट रेडियाई। अब यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, ये यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, ये एटम और ये जो एटम है, ये हाइड्रोजन एटम और ये हाइड्रोजन एटम आपस में वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्टेड है ना, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है वैन डर वाल रेडियाई, इसका हाफ वैन डर वाल रेडियाई है, तो तुम देख के पता लगा सकते हो, इसका हाफ कोवलेंट रेडियाई है और इसका हाफ वैन डर वाल रेडियाई है, तो वैन डर वाल रेडियाई सबसे बड़ी होगी, वैन डर वाल रेडियाई सबसे ज्यादा बड़ी होती है, क्यों, क्योंकि वहां पर तो एटम आपस में बॉन्डेड होते ही नहीं है, वो तो एक ज्यादा डिस्टेंस पे होंगे, बॉन्डेड है वो तो क्लोज आएंगे, और ये तो नॉन बॉन्डेड है ना, ये तो सिर्फ इंट्रैक्टेड है एक दूसरे से, तो वैन डर वाल रेडियस सबसे बड़ी होती है, उसके बाद बड़ी कौन होती है, मेटालिक रेडियस, और उसके बाद बड़ी कौन, सबसे छोटी कौन सी होती है, कोवलेंट रेडियस, ठीक है, वैन डर वाल रेडियस सबसे बड़ी, उसके बाद मेटालिक, और सबसे छोटी कौन सी होती है, कोवलेंट रेडियस होती है। तो ये तो थी एक एटम की रेडियस, उसके बाद अब हमें क्या करना है, पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ्ट टू राइट एक पीरियड में मूव करते हैं, या टॉप टू बॉटम एक ग्रुप में मूव करते हैं, तो इनके क्या ट्रेंड चलते हैं, क्या पीरियोडिक चेंज आते हैं, इसमें इंक्रीज किस डायरेक्शन में चलने से इंक्रीज होती है, किस डायरेक्शन में चलने से ये डिक्रीज होती है मेटालिक रेडियस। इससे पहले हम एक आयन की रेडियस भी करेंगे, आयनिक रेडियस नेक्स्ट वीडियो में।